किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गाँव बारीपुर भमरोआ पड़ा। लगभग 7,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान भूरा हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 282 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 15 सेंसिटाइज रोड, 2 आवास, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों का निर्माण कराया है, तथा इसी के साथ ही विद्यालय में 2 लाख रुपए का मरम्मत कार्य भी वर्तमान प्रधान द्वारा कराया गया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 40 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 27 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, शमशान घाट, तालाब की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। जी, मेरा पूर्व प्रधान ग्राम प्रधान बारीपुर मंडुआ, मैंने जो भी काम कराया है अभी तक अच्छा काम कराया है जी। मैंने सूर्य लाइट भी लगवाई है जी, खंजा भी कराए, सीसी टाइल्स भी कराई है जी, और मैंने स्कूलों में भी काम किया है जी, और मैंने शौचालय भी बनवाए हैं जी, और बहुत मतलब रास्ता सही कराए हैं जी जी, और जितना मेरे पास धनराशि आई थी मैंने सब काम कराया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के लिए और भी काम हैं, शौचालय हैं और अस्पताल है बना हुआ है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठते जी। और मेरे गांव में पंचायत घर नहीं है जी। और मेरे गांव में स्कूल का रास्ता ख़राब है जी। और बहुत काम है मेरे गांव में, जो कि बढ़ से बढ़ धनराशि आए, मैं बढ़ से बढ़ विकास कराऊँ गाँव में जी, जी, जी। और मैं भी मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि मेरे गांव के लिए धनराशि आए और मैं बढ़ से बढ़ विकास कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने काम जितना भी धनराशि आई मेरे यहाँ मैंने काम कराया अब तक, और मेरे प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं बन पाए हैं। 2011 की सूची में नाम आए थे, उसमें कुछ लाभार्थियों के नाम गलत आए थे, मतलब पात्र हैं, और मुझे कोई अभी तक मेरे गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, और विकास के अनुसार धनराशि बहुत कम आई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फतेह है और मैं 1/8/2014 में ही आया था। आने से पहले स्कूल में गड्ढे थे और बहुत हालत ही ख़राब थी। प्रधान जी ने आने के बाद में यहाँ का सारा वातावरण और सब बहुत अच्छे तरीके से स्कूल को चमका दिया, और बहुत अच्छा लगता है हमें भी, और बार बार स्कूल में आ के देखते हैं और निगरानी रखते हैं स्कूल की।